से जो भले लोग उनको सदा प्रणाम करो, अच्छे कामों से दुनिया अपना ऊंचा नाम करो। जगड़ियो नमस्कार पलक प्रणाम तुम सबों को है। आशा करती हूँ तुम सब ठीक होला। मैं एकदम फर्स्ट क्लास छू। मेरे नान भाई बहनियों का खूब सारा प्यार और जो मैं छू छ उनके ढेर सारा सम्मान। मैं छू कुमाऊं तनुश्री और अपने उत्तराखंड की हसी वादियों में साथ ही तनुश्री यूट्यूब चैनल में तुम खूब सारा स्वागत करती हूँ। सुबह के बज रहे हैं ना और व्लॉग स्टार्ट हो ही चुके हैं, तो देखते हैं इस व्लॉग में होता क्या है। फिलहाल अभी मैं छत पर आई हुई हूँ हाथ मुंह धो के ब्रश करके बाल वाल बना के धूप सेकने के लिए। तो अभी का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए पीछे देवदार के पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं और इस तरफ देखिए यहाँ का बहुत खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। और सामने पे ही है माल्टा का पेड़ जिसकी पत्तियां पीली हो चुकी है, तो वो दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है। और धूप आई चुकी है, अभी धूप आई नहीं थी नीचे तो मैं धूप सेकने के लिए छत में आई हुई थी, तो अब नीचे भी धूप आई गई है। तो अब हम चलते हैं नीचे, खाना भी बन रहा है। कूद गई मैं छत से, अब हम सीढ़ियों से चलते हैं, पहुंच जाएंगे नीचे। तो गड़ियो इस व्लॉग को आप बिना स्किप करिए कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि इस व्लॉग में भी काफी इंटरेस्टेड होने वाला है बहुत कुछ। तो देखिए जिस पेड़ को मैं आप दिखा रही थी ना वहां से, ये देखिए यही है वो पेड़ जो कि काफी सुंदर लग रहा था। अब हम चलते हैं नीचे को। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं, बूबू भी यहाँ पे धूप सेकने के लिए आई हुई है। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोल रहे बुबू आप सभी को। तो ये बुबू को आपसे मैंने मिला ही दिया है, बुबू धूप सेक रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करते। अब आपको मिलाती हूँ गुन्नू से। ये देखिए गुन्नू से मिलिए। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है पीहू होरा, मैं तन्नू दी के ब्लॉग से आ रखा हूँ पोयम सुनाने। अब मैं पोयम सुनाने वाला हूँ। हाँ अब गुन्नू सुनाएगी पोयम आपको। अपने से जो भले लोग उनको सदा प्रणाम करो, अच्छे कामों से दुनिया अपना ऊंचा नाम करो, मेहनत से हर काम करो तो कम से कम आराम करो, सोच लिया जो करना उसको समय पर उसको तमाम करो, करो। ये देखिए इतनी छोटी बच्ची ने हमें बहुत अच्छी सीख दी है, ये काफी इंटेलिजेंट है। और जैसा इसने कहा तनु दी को सब्सक्राइब करो, उसी तरह जैसे आप वीडियो देखते हैं उसे लाइक तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। फाइनली हमारी गुन्नू ने आपको पोयम सुनाई दी है, काफी अच्छी थी। और ये कब से बोल रही थी कि दीदी मैं भी आपके ब्लॉग में आना चाहती हूँ, कितने दिनों से जीत कर थी, लेकिन मैंने इसे कहा कि कल करके इसे थोड़े दिनों के लिए निपटा लिया था, लेकिन आज ये सुबह से ही रो रही थी। और जब मैं ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए छत में गई तब भी सही बोली थी कि मैं भी आ रही हूँ, लेकिन उसने हाथ मुंह नहीं धोया था। मैंने कहा गुन्नू हाथ मुंह धोकर आ, तो ये सुबह इतना रोने लग गई और नहाकर अभी ब्लॉग मारने के लिए रेडी होकर आई है। और जिसने आपको पोयम सुना दिया, एक बार गुन्नू आपको डांस दिखाएगी। गुन्नू कौन से गाने में पैसा पैसा करती है, फिर मेरी गल्ला होगी मसूर, हाँ। या फिर पतली कमरिया, हाँ, हाँ। अब गुन्नू आपको पतली कमरिया में दिखाएगी, खुद से गाना होगा। हाँ थोड़ी देर तक स्टार्ट कर। पतली कमरिया बोले हाय हाय हाय, तेरे से नजरिया हाय हाय हाय, पतली कमरिया बोले हाय हाय, तेरे से नजरिया बोले। देखिए आपको गुन्नू ने डांस दिखा दिया है, तो अब फिर से एक पोयम सुना देगी। अब कौन सी पोयम सुनाओगे? जॉनी और ट्विंकल। ठीक है स्टार्ट कर। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग सुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा, ओपन माउथ हा। अब राजा वाली जो हिंदी में थी ना, राजा वाली जो सबको सुनाती है तू, फिर सब आपको शाबाशी देते हैं वैसे। एक बड़े राजा का बेटा, दो दिन से
पलंग में लेटा तीन महात्मा, एक है चार दवा की बुढ़िया लाल, पांच पांच घंटे बातें खिला, छठवें घंटे होश में आया, सातवें घंटे माँ से बो, आठवें घंटे पलंग से उतर, नौवें घंटे दौड़ लगाए, दस तक गिनती मुझको आई। वेरी गुड गुन्नू, काफी इंटेलिजेंट बच्ची है हमारे यहाँ की। तो अगर जी अब हम खाना खा लेते हैं। गुन्नू खाना खा लिया है? ना। पीहू ने भी खाना नहीं खाया है अभी। हमारी इसका रियल नेम ना पीहू है। अब ये खाना खा के आएगी आपसे मिलने के लिए। बाय बोल दो। बाय। गुन्नू भी खाना खाने के लिए चले गई और अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। देखते हैं आज क्या बना है। तो अगर ये फाइनली खाना बन चुका है और ये देखिए आज बनाई है मांस की बड़ी, जो कि हमारे कुमाऊं में कुम्बले को कद्दूकस करके और मांस को पीस कर इसको सोयाबीन की बड़ी के जैसा सेव दिया जाता है, फिर इसे सुखाकर ये खाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन जब इसका सीजन होगा तो हम आपको इसकी रेसिपी भी दिखाएंगे कि किस तरह ये बनती है। फिलहाल हम खाना खा के आपको मिलते हैं। तो दगड़ियों अभी बज रहे हैं 3:30 और मैं कंप्यूटर कोचिंग के लिए रेडी हो गई हूँ क्योंकि 4 बजे से कंप्यूटर क्लास है। तो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि अगले व्लॉग में आपको कंप्यूटर कोचिंग वाला दिखाऊंगी, तो आज मैं उसे दिखाऊंगी आपको। तो मैं जा रही कंप्यूटर कोचिंग को, वहां जाकर आपसे मिलती हूँ। तो दगड़ियों फाइनली मैं यहाँ पहुंच चुकी हूँ छन्नी रोड में और यहाँ पे हमारी विन्नी दी मिल चुकी है। हाय, मैं दी के साथ ही जाती हूँ कंप्यूटर और एक और दी आती है संजना दी, वो तो आज आई नहीं है। अभी हम जाते कंप्यूटर कोचिंग को। दी का तो कोर्स चल रहा है लेकिन मैंने 10th के बाद ही ज्वाइन कर लिया था तो मेरा कोर्स हो चुका है और मेरा थोड़ा बहुत रिवीजन चल रहा है। तो आज देखते हैं सर कुछ बनाने को देंगे या पता नहीं किस पैकेज पर काम करने के लिए देते हैं, वरना मैं आज आपको हमारा इंडियन फ्लैग बनाकर दिखाऊंगी। तो अब आपको मैं कंप्यूटर क्लास में मिलती हूँ। फाइनली हम कंप्यूटर क्लास में पहुँच चुके हैं। ये है हिड्रॉन कोचिंग एकेडमी, इसमें मैं कंप्यूटर क्लास जाती हूँ। अब जाते हम अंदर। आज मैं आपको कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाले पैकेज में इंडियन फ्लैग बनाना चाहूंगी। तो जो भी इंडियन है और हमारे रंगे से प्यार करते हैं तो कमेंट पर जय हिंद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इंडियन फ्लैग बनाते हैं। बच चुके हैं 5 और हमारी छुट्टी भी हो चुकी है। अभी और मैं कंप्यूटर कोचिंग से बाहर आ चुके हैं। अभी का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, धूप चली गई है पूरी तरफ से, बादल बादल लग रहे हैं, बारिश जैसा मौसम हो रहा है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना और अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।